प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग सेफ होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में या फिर अपने अपने वर्क प्लेस पे। तो आज हम करने वाले हैं प्लांट शॉपिंग हॉल का वीडियो। ये प्लांट शॉपिंग हॉल है उन प्लांट्स का जो मैं अभी अभी शौर्य नर्सरी से लेके आई हूँ। तो मैं अभी उनका वीडियो बना रही हूँ। आज है 9 जून 2021 की शाम। पर वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आर्ट सा मैंने बनाया अपने फ्लावर्स से। बताइए कैसा है, मुझे तो बड़ा प्यार लग रहा है। खैर अपनी बनाई हुई चीज सबको प्यारी लगती है, बट आप बताइए कैसा है। मुझे बहुत प्यार लग रहा है क्योंकि इसमें फूल है। तो पहला प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको। पहला प्लांट है मेरा विनका का। ये 20 रुपीज में मुझे मिला है। एज यू नो समर आ रखा है और समर में विनका ना लगाओ तो बात ही क्या है। ये हाइब्रिड विनका है। इसका कलर एक डीपर शेड ऑफ मरून कह सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत हेल्दी प्लांट है एज यू कैन सी। एंड जस्ट फॉर 20 रुपीज आई गॉट दिस। जस्ट फॉर 20 रुपीज। ओके सो नेक्स्ट प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है मेरा विनका का ही है। ये लाइटर शेड ऑफ पिंक में है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है, बहुत प्यारा सा कलर है एंड हेल्दी प्लांट है। जैसा मैं कह रही हूँ समर में विनका ना लगाओ तो बात ही क्या है, क्योंकि समर में विनका देते हैं हैवी फ्लावरिंग। और हाइब्रिड अगर आप ले रहे हो तो इसमें अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे। देसी वैरायटी में आपको एक पर्पल कलर मिलता है और व्हाइट कलर मिलता है, दोनों ही है मेरे पास। मेरे पास फिलहाल हाइब्रिड की कोई वैरायटी नहीं थी तो मैं दो विनका लेके आ गई हूँ। नेक्स्ट प्लांट है बोगनवेलिया। ये बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, बहुत ही प्यारा सा कलर है और ये भी काफी हेल्दी प्लांट है। काफी टॉल है, ये मुझे मिला है 40 रुपीज का। एज यू कैन सी इट्स वेरी टॉल, मुझे केवल 40 रुपए का मिल गया ये है। और बोगनवेलिया गर्मियों के बहुत हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कम पानी और तेज धूप में चलने वाले प्लांट होते हैं। इनको गमले में लगाएंगे तो मिट्टी सूखने पे एक दो परत की तब आप पानी दीजिएगा। जमीन में लगा रहे हैं तो हफ्ते में एक या दो बार थोरोली पानी दीजिए, जब भी दे लेकिन ढंग से पानी दीजिए जमीन में लगा रहे हैं तो। और फिर उसको कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, तीन चार दिन बाद देखने जाइए। नेक्स्ट प्लांट इज द सॉन्ग ऑफ इंडिया। बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही हेल्दी है, सारी लीव्स एकदम सही सलामत है और ये मुझे केवल 40 रुपए में मिला है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और ये इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि गर्मियों में अगर आपके पास ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है तो कुछ रंग बिरंगी पत्तियों और अलग अलग पैटर्न वाले अलग अलग पैटर्न वाले आप प्लांट्स रखेंगे तो एक कलर, एक हरियाली टाइप की आपके घर में बनी रहेगी बिना फूल खिले भी। सो या एड इट टू योर कलेक्शन। बहुत सस्ता और बहुत इजी टू मेंटेन होता है, सच कोई खास रिक्वायरमेंट मांगता भी नहीं है। ठीक है, अगला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का प्लांट। ये व्हाइट एग्लोनिमा का प्लांट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे से पैटर्न्स हैं इसके एज यू कैन सी क्लियरली। और बहुत प्यारा प्लांट है और इसका जो स्टेम है वो भी काफी मोटा है। ये मुझे मिला है 40 रुपीज का। तो जो मैंने एक और प्लांट लिया है वो है क्रोटोन का। मेरे पास क्रोटोन नहीं है और ये वाली वैरायटी मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि बड़े बड़े पत्ते हैं इसके और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। लाइक यू कैन सी क्लियरली कि येलो भी है, ग्रीन तो होगा ही, हाँ हल्का सा रेडिश टिंट भी आ रहा है इसमें, पिंकिश टिंट भी आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ह्यू, बहुत प्यारे प्यारे ह्यूज आ रहे हैं इसमें बहुत सारे। तो मेरे को बड़ा पसंद आया ये, तो मैंने इसका छोटा वाला प्लांट लिया। बड़े वाले थोड़े महंगे थे ऑब्वियसली तो मैंने छोटा वाला लिया है। ये एक मुझे एक ना छोटे से आई थिंक कितने इंच का होगा, ये 4 इंच का होगा शायद, ये छोटा सा या 3 इंच का, ये छोटा सा 3 इंच का शायद गमला है टेराकोटा का मिट्टी का। ये प्लांट मिला है मुझे 80 रुपीज में। अब
अगला प्लांट आप देख सकते हैं, बहुत बेलनुमा पौधा है और काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, ये पौधा है फ्यूशिया का। फ्यूशिया का अगर आपको याद हो, मैं लास्ट टाइम भी फ्यूशिया लेके आई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट था और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर खिल भी रहे थे, मैंने आपको दिखाए भी होंगे। मुझे दोबारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि गट्टू ने उसे तोड़ दिया था, मैडम को गुस्सा आ गया था, तोड़ दिया उन लोगों ने। मुझे लगता है कभी कभी ना कि मेरे जो ये नर्सरी वाले भैया हैं, ठीक है, इनको मेरे कुत्तों से बड़ा फायदा होता है, क्योंकि एक ही प्लांट मेरे को दो या तीन बार तो लेके जाना ही पड़ता है। एज यू कैन सी कि बहुत बेलनुमा पौधा है ये और काफी हेल्दी है, काफी लंबा हो चुका है। आप देखो खुद से यार कितना हेल्दी है और कितना ना बुशी ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ बहुत बेलनुमा जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो शायद इसमें दो है या एक है, आई एम नॉट श्योर। मुझे नीचे से उसकी रिपोर्टिंग करूंगी अगर मैं, तो मुझे पता चलेगा। मे बी हो सकता है एक ही हो, बट हो सकता है दो भी हो सकते हैं, मैं क्लियर नहीं हूँ, जड़ देखूंगी तभी पता चलेगा। बट हाँ बहुत प्यारा पौधा है और मुझे टॉर्च जलाना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो रहा है और मुझे फटाफट वीडियो शूट करनी है। तो आप गेस नहीं करोगे, मुझे बहुत स्टील डील मिली है यार लिटरली, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं पौधा लेके आई थी और उसके मुकाबले हाँ रेट हाई है, लेकिन स्टील डील है, क्योंकि इतना अच्छा पौधा मेरे को बस सिर्फ और सिर्फ इतना लंबा 100 रुपीज का मिल गया। कैन यू बिलीव इट, 100 रुपीज का। आई एम सो हैप्पी। भैया ने मुझे डिस्काउंट तब दिया जब मैंने उनसे खूब सारे पौधे खरीद लिए थे ना, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा छोटा सा डिस्काउंट दे दिया, 120 का उन्होंने कोट किया था एंड दे गेव इट टू मी फॉर 100 रुपीज। सो या थोड़ा फायदा हो गया मेरे को ज्यादा प्लांट्स लेने का। तो मैंने जो सबसे बेस्ट मेरा प्लांट है जो मुझे काफी टाइम से चाहिए था, वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है। लास्ट है लेकिन सबसे कम मत समझना, मेरा फेवरेट प्लांट होने वाला है ये, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे कुत्ते बर्बाद ना करें, क्योंकि जो भी मेरा मुझे चाहिए होता ना प्लांट, अगर मुझे मिल जाता तो मेरे कुत्ते जरूर उसको तबाह करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे उसको बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लांट है मेरा हाइड्रेंजिया का। मैं इसकी फोटो दे दूंगी आपको इंटरनेट से लगा के, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर फूल बंचेस में आते हैं और बहुत सुंदर आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं इसके। इफ यू कैन सी इट्स इन अ प्लास्टिक पॉट, प्लास्टिक के पॉट में, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। हाँ इसके नीचे से थोड़े ना रूट्स निकल रखे हैं ऐसे, तो इनकी मैं प्रूनिंग कर दूंगी। अगर आपके पास भी ऐसे कोई रूट्स निकल रहे हो तो उनकी प्रूनिंग कर दीजिएगा, बट हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप मुख्य जड़ यानी कि मेन जड़ को, मेन रूट को प्रून ना करें, वरना प्लांट मर जाएगा। तो ये जो साइड के जड़ है इनको प्रून करेंगे, इससे पेड़ को नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता। सो ये जो जड़ हैं आपकी, इनको आपको प्रून कर देना है। आपको याद रखना है कि ये जो जड़े हैं, ये अगर साइड की जड़ है, सेकेंडरी जड़े हैं, सेकेंडरी रूट से, तो आप उनको काट सकते हैं, सच पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, पेड़ पौधे को नुकसान नहीं होगा। हाँ मेन जड़ अगर आपकी निकल रखी होगी तो उसको नुकसान मत पहुंचाइएगा, वरना आपका पौधा मर जाएगा। तो ये साइड की जड़ें अगर आप प्रून करेंगे ना, अगर ये बाहर निकल रखी है, इस पर सनलाइट पड़ती है, खराब कर देती है पौधे को। रूट्स पे अगर जब भी सनलाइट पड़ेगी वो पौधे को शॉक में डालेगी, उसे खराब करेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तभी लगाते हैं ना, क्योंकि पौधे क्या करते हैं कम धूप में या फिर शाम के समय लगाने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि जड़ों पे सनलाइट ना पड़े। ठीक है, सनलाइट का पड़ने का मतलब पत्तियों पे होना चाहिए, जड़ों पे नहीं। सो इनको प्रून कर दीजिएगा अगर आपके पास ऐसी कोई जड़ निकल रही है। मेक योर प्लांट हेल्दी एंड लाइक आई सेड कि इट्स वेरी हेल्दी। और अगर मैंने प्राइस नहीं बताया तो प्राइस बताती हूँ मैं आपको, ये मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा है। आई थिंक भैया कह रहे थे कि इसका जो फ्लावर आएगा वो पिंक कलर में आएगा, एंड उनके पास एक वाइट कलर का भी है, उसकी पत्तियों का जो आकार है थोड़ा अलग है। मैंने पिंक वाला लिया है क्योंकि वाइट को थोड़ा ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है बाकी कलर्स के साथ, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास वाइट कलर के बहुत फ्लावर हो चुके हैं, तो मैं अब और कलर ऐड करना चाहती हूँ अपने कलेक्शन में, अपने गार्डन में, इसलिए मैं ये पिंक कलर लेके आई हूँ।
और 150 रुपीज़ का प्राइस है। एंड हाइड्रेंजिया की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको उनकी केयर, उनकी पोजीशन कैसी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसे खाद वगैरह चाहिए होता है, उसकी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। तो वो जल्दी आएगी, आई थिंक मे बी शायद कुछ दिनों में, आई एम नॉट श्योर, बट यप आएगी ज़रूर। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट में मुझे बताइए कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।